आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। है के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, मैं मुकेश कुमार। हम इस समय मौजूद हैं अरोला थाने पर। यहाँ पर जो हमारे साथ एक पीड़ित हैं, इनके साथ जाति हो रही है। जाति कहा जाए तो इनका जो जमीन है, एक कागजी जमीन है, खतौनी है उनकी, उनके खतौनी पे जबरदस्ती कुछ दबंगों द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत लेकर आज ये अरोला थाना पर आए हैं और अपने समस्या को एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ एसओ साहब को दिए हैं और उसे गुहार लगाना चाहते हैं कि ये जो दबंगइयों के बदौलत वो जमीन को कब्जा कर रहे हैं, उसको रुकवाया जाए। हम जानते हैं कि इनसे क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग, क्या समस्या है इनकी। क्या नाम है भैया आपका? राहुल। कहाँ के रहने वाले? हम यही बस इसी अरोला थाने के ग्राम कंद्रा पोस्ट माहौल के रहने वाले। क्या है समस्या आपकी? समस्या मेरी है कि मेरी खतौनी की जमीन है और उस में हम चार शेयरदार थे। एक शेयरदार ने इसमें जमीन आज से 25 साल पहले बेची थी, तो वो शेयरदार का चौथाई हिस्सा था जो कि 17 हिस्से का, बाकी तीन हिस्सा और 17 हिस्से के हैं। वो हिस्से के हम लोग हैं, मौके पे मौजूद है, लेकिन वो जो 17 हिस्से का जो बैनामेदार है वो धीरे धीरे पूरी जमीन को एक्वायर कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा वो जबरदस्ती कर रहा है लगातार। अभी वो जबरदस्ती वो जमीन में कब्जा कर रहा है, मेरा ये नहीं पूरा हो रहा। मैंने कहा इस जमीन को नप जाने दो, नपने दो। मैंने दो तीन दिन वो जमीन को रोकता है, फिर चौथे दिन तीसरे दिन कार्रवाई शुरू कर देता है। नपने के लिए कोई एप्लीकेशन? हाँ, एप्लीकेशन मैंने जीम को तीन तीन बार एप्लीकेशन दी। ऐसा लेखपाल आया, लेखपाल ने आया, उसने मौके की वो किया, उसने मुझे कहा कि इन धाराओं पे आप कराई क्यों, मिला जुला नंबर है और हमको ये नहीं है। एसडीएम साहब भी कहते हैं, वो भी कहते हैं कि मेरे पास इसका वो, उन्होंने कहा इस तरह करी, तो मैं उस चीज़ को मैंने कलेक्ट्रेट में भी दाखिल किया, लेकिन अब इस चीज़ में वक्त लग रहा है। वो कह रहा नहीं वक्त नहीं, वो अपना जबरदस्ती जब चाहता दीवार शुरू कर देता खड़ी करना। एसडीएम महोदय, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अगर आपको ये पीड़ित तीन तीन बार एप्लीकेशन देते हैं और अगर ये विवाद बढ़ता जा रहा है और ये विवाद में अगर कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और ये विवाद काफ़ी बढ़ता जा रहा है और आज का जो विवाद था वो जबरदस्ती ऐसा क्यों होता है कि जब रुकवाया जाता है पुलिस प्रशासनों द्वारा दो दिन तीन दिन रोकता है फिर चौथे दिन शुरू कर देता है? ऐसे दबंग व्यक्ति को आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भैया क्या समस्या आपकी? समस्या यही है कि मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि मौजूदा अगर किसी की खतौनी की जमीन है और जमीन है उसके पास, क्या सुरक्षा का इतना ढांचा नहीं कि जब तक उसकी मापी हो जाए तब तक वो जमीन को सिक्योर रखा जाए कि कम से कम कब्जा ना हो पाए। मैं प्रशासन से यही आग्रह करूंगा कि तब तक कब्जा ना हो पाए। मेरे साथ नहीं, मेरे जैसे तमाम से ऐसे पीड़ित हैं कि ये सहारा लेकर लोग, दबंग लोग उनकी जमीन को कब्जा कर लेते हैं कि कहीं कहीं कानूनी प्रक्रियाएं थोड़ा सा लचीली हैं, वक्त लगता है, उस वक्त का वो फायदा लेना चाहते हैं। मैं यही मांग करना चाहूंगा कि इसमें लचीला जो प्राविधान है वो उसमें तो जो संतोषजनक कुछ होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तब तक की जब तक इस जमीन की कायदे से मापी ना हो जाए, उस जमीन को सुरक्षित रखने का काम प्रशासन का, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की, वो कम से कम उस जमीन को सुरक्षित रखे। कि वो ऐसा विवाद क्यों चाहता है? वो जब वो चाहता कि मैं एक्वायर करूँ जमीन, जब ज्यादा कब्जा कर लूंगा तब मैं काम कर पाऊंगा। वो कब्जा करना चाहता है, उसलिए सोच रहा है कि उसको जब तक वक्त मिलता वो कब्जा करना चाहता। क्या राजस्व विभाग से आपका कहना चाहेंगे? मैं राजस्व विभाग से कहूंगा कि कम से कम अधिकारी इस चीज़ को अगर वो कहते हैं तो इस चीज़ को रोकने की प्रक्रिया को जटिल बनाइए कि जब तक सही कायदे की पैमाइश ना हो जाए, एकदम पैमाइश करा के जिसका जो हिस्सा है वो हो जाए, तभी दूसरा काबिज हो पाए। लेकिन ये नहीं हो पाता कि वो बीच का वो फ़ायदा उठाकर हमेशा जो परिवार में ज़्यादा होता, संख्या बल में ज़्यादा होता और लड़ाई में करने में ज़्यादा होता, वो अक्सर वो इस ज़मीन को दबंगई से कब्जा करना चाहता और आज ही हो रहा है, मेरे साथ खुद हो रहा है ये। तो आपका कहने का मतलब है कि वो विवाद करना चाहता है लेकिन आप उस विवाद से भाग रहे हैं? जी, मैं कानून का सहारा लेना चाहता हूँ कि कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया से मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं। वो चाहता है कि उसका परिवार ज़्यादा फौजदारी ये लोग कर लें और हम मारपीट में हो, लेकिन मैं फौजदारी और लड़ाई से नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कानून से इस प्राविधान कानून से ये हलो और हम हमेशा कानून का सहारा लेना चाहते हैं। इसलिए नहीं तो वो इस तरह करते करते तीन बार में कई लंबी चौड़ी दीवार खड़ी कर ले जा रहा, कर लिया भी है उसने। तो आज का क्या विवाद था? आज भी वही था कि जो दीवार बची थी उसको उसने मंजे का कब्जा किया, बाद में पुलिस जब एप्लीकेशन दिया तो उसके बाद कुछ देर बाद एसओ साहब ने कार्रवाई की, संतोषजनक कार्रवाई की, जाके वो मामला वहाँ पर अभी जाके रुका हुआ है। लेकिन वो क्या करता है फिर एक दो दिन बाद वो स्थिर होने के बाद फिर वो काम करना शुरू कर देता है। आप क्या निर्देश चाहेंगे यहाँ के? मैं एसोसिएशन बस यही चाहूँगा कि मैं आग्रह करूँगा कि सर जब तक उसकी माफ़ी ना हो, मैं अभी और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलूँगा कि कलेक्ट्रेट में मामला मैंने दाखिल किया, बंटवारा भी दाखिल कर दिया है, कि जब तक इस मामले का पूरा
काम ना हो जाए, नब माफी ना हो जाए, तब तक कम से कम यथास्थिति बरकरार रहे। इसके बाद जिसकी जमीन होगी अपना ले लेगा नबने के बाद। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे विवाद को आपको सूचित कर दिया जाता है तो सूचित करने पे अगर आप एक्शन लेते हैं तो शायद कोई विवाद ना हो पाए, ना तो किसी की हत्या हो पाए, ना तो किसी की जान जाए। अगर ऐसा होता है तो आप ऐसे विवाद को आप कम से कम नहीं तो ज्यादा से ज्यादा उसको ध्यान देने का कोशिश करें। मेरे साथ कैमरामैन के साथ बने रहें मुकेश कुमार।